यहाँ एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमान सरदार पटेल, राजा जी, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर आंबेडकर जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया कि ये उचित नहीं होगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दिल्ली की स्थापना 1911 में अंग्रेजों के शासन के द्वारा महरौली और दिल्ली दो तहसीलों को पंजाब प्रांत से अलग कर बनाई गई। 1919 और 1935 में ब्रिटिश सरकार ने चीफ कमिश्नर प्रोविंस का नोटिफिकेशन किया और दिल्ली को चीफ कमिश्नर प्रोविंस के तहत रखा गया। आजादी के बाद पट्टाभी सीतारमैया समिति ने दिल्ली को राज्य स्तर का दर्जा देने की सिफारिश की थी। हालांकि जब सिफारिश संविधान सभा के समक्ष आई, मेरा विपक्ष के सदस्यों को विनम्रता से अनुरोध है कि इस बात को जरा गौर से सुनेगा, पट्टाभी सीतारमैया समिति की सिफारिश जब सदन के सामने आई तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमान सरदार पटेल, राजा जी, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर आंबेडकर जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया कि ये उचित नहीं होगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। समस्या कहां से समाप्त शुरू हुई? 1993 से व्यवस्था चली आ रही थी। कभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, कभी कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, कभी ऊपर कांग्रेस का शासन था तब हमारी सरकार थी, तो कभी ऊपर कांग्रेस की सरकार थी तब नीचे हमारा शासन था, मगर कोई झगड़ा नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि किसी की मनसा अधिकार हथियाने की नहीं थी, सेवा करने की। कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा के साथ झगड़ा नहीं किया, भाजपा ने भी कांग्रेस सरकार के साथ झगड़ा नहीं किया, और बहुत अच्छे से चल रहा था, कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई झगड़ा नहीं। 1915 में स्थिति बदली और यहां 2015 में यहां स्थिति बदली और यहां एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका सत्य छुपाना है। विधेयक और कानून देश के भले के लिए लेकर आते हैं, इसका विरोध या इसका समर्थन भी देश के और दिल्ली के भले के लिए करना चाहिए। अगर हमारी राजनीति में थोड़ी स्वीकृति कम है तो सबको मिलाना है, दिल्ली का जो होना है वो हो, जितना भ्रष्टाचार होना है वो हो, मंत्री कुछ भी करे, मुख्यमंत्री करोड़ों के बंगले बनाए, मगर हम विपक्ष में रहते हुए समर्थन करेंगे, क्योंकि हमें गठबंधन बनाना है। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए, अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अलायंस करकर आप अगर ऐसा सोचते हो, कि जनता का विश्वास हासिल कर दिया जाएगा, जनता का विश्वास आपको मिला था, मगर जिस तरह से 10 साल यूपीए ने शासन चलाया, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे, इसलिए आज वहां बैठे। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, दिल्ली सरकार के
दिल्ली सरकार के घपले घोटाले भ्रष्टाचार को प्रचिन्न रूप से अलायंस की गरज के कारण मदद कर रहे हो, पूरा देश देख रहा है और पूरा देश चुनाव में इसका हिसाब किताब करेगा। माननीय, मैंने ये सदन के सामने रखा है बिल को, मेरा सभी से निवेदन है कि अलायंस के मद्देनजर इस पर अपना अभिप्राय न करे, देश के और राजधानी क्षेत्र के भले के लिए न्यूट्रलिटी से बात करे। और वैसे भी मैं बता देता हूं विशेषकर कांग्रेस पार्टी वालों को कि ये बिल पारित होने के बाद वो अलायंस में आपके साथ आने वाले नहीं है, तो जो सच है वो करिए।